इसमें रेवड़ी बांटने का काम हो रहा है। ये मूलभूत समस्या जिससे पूरा देश का नौजवान महंगाई का दंश झेल रही है, जो नौजवान हमारा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, इससे जो बेसिक समस्या है उसका निदान नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए काम न करने का एक बड़ा आरोप लगाया है, साथ ही मीडिया में चमकने का भी बात कहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को काम से कोई लेना देना नहीं है, बस ये मीडिया के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और गरीबों के थाली से रोटी गायब करना चाहते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। अब उनके विदाई का समय है, 6 महीना बचा है, तो इसमें रेवड़ी बांटने का काम हो रहा है। लेकिन जो मूलभूत समस्या जिससे पूरा देश का नौजवान, पूरे देश की माँ बहनें जो घर में काम करती हैं, जो महंगाई का दंश झेल रही हैं, जो नौजवान हमारा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उस पे काम नहीं करके इस तरह का रोज़ अपना सिलापट लगवाना, रोज़ किसी न किसी बहाने न्यूज़ में आना, अब क्या मतलब रह गया है इसका। इससे जो बेसिक समस्या है उसका निदान नहीं कर पाए। जो कुछ भी उन्होंने वायदा किया था देश की जनता से, पिछले 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं हुआ, हर फ्रंट पर ये सरकार विफल रही है, फेल हुई है, यही कहना है हम लोगों को। सर, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हर बार नौकरी दी जाती है, रोजगार मेले के माध्यम से नौकरियां दी जा रही है। अगर आपके गांव में किसी को नौकरी लगी होगी, हम तो 10 साल हो गया, मेरे गांव में, मेरे ब्लॉक में तो किसी को नौकरी लगी नहीं इनके हुकूमत में, तो मैं तो यही देख रहा हूं। और जो रोज़ हम 500,000 नौजवान हम लोगों से मिलते हैं, सब रोज़गार की बात करते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है इस देश में। इतनी बड़ी कभी भी समस्या नहीं उत्पन्न हुआ आज़ादी के बाद। 13वीं 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है, जितना बेरोजगारी दर बढ़ा है, जितना कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों के थाल से दाल सब्जी गायब है, और उसके बाद इस तरह की बात करना लोगों के साथ बेईमानी है। पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना तो कुछ करते हैं और नहीं करने ही देते। विपक्ष का जो काम है, मान लीजिए जो मणिपुर की घटना हुई, जिस तरह से वहाँ दो महिला माँ बहनों के साथ जिस तरह का अपमान कराने का काम हुआ, तो उससे पूरे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिरी है, भारत के जमहूरियत पर सवाल खड़ा होता है कि उसी समुदाय से आने वाले वहाँ मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, उनको भी नहीं हटाते हैं। लगभग तीन महीना होने को हो गया और आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी कुछ न उस पर अपनी बात कही लोकसभा और राज्यसभा में। और 267 के तहत रोज़ हम लोग नोटिस करते हैं, उस नोटिस का भी कोई नोटिस नहीं है। 23-24 पार्टियां चाहती हैं कि उस पर सरकार बहस कराए, ताकि देश की जनता के सामने सच उजागर हो सके। तो जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान का क्या मायने है, इसलिए विपक्ष की पार्टियां हर रोज सवाल उठाती हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहां पर अखिलेश प्रसाद साफ तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हुए उन पर बड़े आरोप भी लगा रहे हैं, और साथ ही गरीबी बढ़ाने की भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया है, इन्होंने बस अपने आप को सुर्खियों में रखने का काम किया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।